4.5। फिल्म बहुत देर बाद अक्षय कुमार की कोई अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म आई है, सो आई लव इट। मूवी बहुत अच्छी थी, मजा आ गया देख के यार। और 3.5 रेटिंग देना चाहूंगा मूवी को। 4 दे सकते हैं 5 में। मूवी अच्छी है मेरे हिसाब से, 4 स्टार। हिज एक्टिंग वाज अल्टीमेट, सुपर्ब। मजा आया इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की जुगलबंदी देखकर। मुझे ये लगता है कि मनोरंजन के साथ साथ एक काफी अच्छा संकेत भी दिया है। सो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, हिमांशु न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज फिल्मी फ्राइडे, जैसे कि आप सभी जानते हैं फिल्मी फ्राइडे में हम हमेशा फिल्मों के रिव्यू आप तक पहुंचाते हैं ताकि बेस्ट रिव्यू आप तक पता चल पाए और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। तो आज हम करने हैं सेल्फी का रिव्यू, क्योंकि हम लोग मीडिया पब्लिकेशन से होते हैं और एक दिन पहले जो है फिल्म देख लेते हैं। तो सेल्फी का रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि अक्षय कुमार की धूमधाम तो बहुत ज़्यादा मची रहती है, लेकिन इससे पहले की 6 फिल्में उनकी ज़्यादा नहीं चल पाई, ये फिल्म कितना कमाल मचाती है, क्योंकि इस बार उन्होंने टॉपिक ही चुन लिया फैंस के ऊपर। और जब फैंस के ऊपर टॉपिक चुन लिया तो फैंस इस फिल्म को कैसे ना जिताए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि सारे जर्नलिस्ट ने फिल्म एक दिन पहले देख ली है, किस तरह की उन्हें फिल्म लगी, कितना पसंद आई, ये एक बार आप देख लीजिए। बहुत बड़ी मूवी लगी अक्षय कुमार, मतलब एक बार फिर से साउथ की डब। हाँ, साउथ की डब तो थी मूवी, लेकिन बहुत अच्छी मूवी लगी, 4.5 स्टार। ओके, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी, बहुत बड़ी एक्टिंग लगी। और आउट ऑफ 5? 4.5। आई लव द फिल्म, बहुत देर बाद अक्षय कुमार की कोई अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म आई है, सो आई लव इट। कह सकते हैं अक्षय कुमार वर्सेस इमरान हाशमी? नो, इमरान हाशमी विंस, इमरान हाशमी विंस एक्चुअली। सो आउट ऑफ 5? आई विल गिव इट 4, इट वाज गुड। मतलब ये साउथ का रीमेक था, एक बार फिर से कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, यस। मूवी बहुत अच्छी थी, मजा आ गया देख के यार, बहुत अच्छी। सॉरी, अक्षय कुमार वर्सेस इमरान हाशमी, यस, अच्छा था, गुड था। और 3.5 रेटिंग देना चाहूंगा मूवी को, अच्छा था, बढ़िया लगा। कॉमेडी आजकल मिसिंग है थोड़ी सी फिल्मों में, मतलब अक्षय कुमार की फिल्में चल नहीं पा रही, इसके लिए कैसे चल रही है? ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है अभी, ये मूवी उस कॉमेडी के बेस पे है भी नहीं ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसीलिए इमरान हाशमी की। अनप्रेडिक्टेबल मूवी थी, ऐसा होता नहीं है कभी रियल लाइफ में, लेकिन ओवरऑल अच्छी है, सुपर हिट। अक्षय कुमार की फिल्में ज़्यादा चल नहीं पा रही बॉक्स ऑफिस पर, ये रिस्पॉन्स कर पाएगी? नहीं, ये तो उस पर अपनी अपना व्यू होता है, ऑडियंस का अलग अलग, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ 4 दे सकते हैं 5 में। साउथ की डब है, साउथ की रीमेक बनाते हैं, फिर भी अच्छी है। अगर आप साउथ की रीमेक है, आपको तो एंटरटेनमेंट से मतलब है, जो प्रोडक्ट अच्छा होगा बिकेगा ही। 4। कहानी क्या, कॉमेडी मूवी थी, बहुत अच्छी लगी, और थोड़ा सा पुलिस के रूल समझाए इसमें, वो भी बहुत अच्छी बात थी। मूवी अच्छी है मेरे हिसाब से, 4 स्टार, और सारी चीज़ें अच्छी। BGM थोड़ा और बेटर हो सकता था, जो ग्राउंडेड सीन है उसका, और बाकी खिलाड़ी कुमार के तो हम फैन हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मुझे तो लगता है फैमिली मूवी है, और फैमिली मूवी आए पूरी फैमिली देखे, कॉमेडी जो डाली है सीरियस सीन्स में वो काफ़ी अमेजिंग है। अच्छा, 4 स्टार। इमरान हाशमी। साउथ की डब थी बट अच्छा है, लाइक अक्षय कुमार जिस तरह से हो रहा है कि वो छोड़ेंगे, बट अब लग रहा है इस मूवी में उनके फैंस जो है, उनकी जो थोड़ी डाउन हो रही थी वो अब हाई फिर से बढ़ने वाली है। 4। दैट वाज अ फैंटास्टिक मूवी, स्पेशली आई विल क्रेडिट टू इमरान हाशमी, हिज एक्टिंग वाज अल्टीमेट, सुपर्ब, एंड द स्टोरी वाज गुड। नाउ दिस इज अ मसाला मूवी, एक्चुअली यू हैव सीन द पठान, देयर वाज नो स्क्रिप्ट बट द लोकेशन फॉर गुड, सो इन दिस मूवी द स्टार कास्ट अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल दीज डेज इन बॉलीवुड, सो दैट वॉज अ गुड मूवी। या मसाला एंटरटेनर, यस 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 यस, इट्स अ गुड। 4। आई थिंक आई क्वाइट इन्जॉयड वॉचिंग इट, बिकॉज आजकल ऐसे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके इतनी बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो मूवीज़ बनाते हैं, एंड दे सॉर्ट ऑफ एंड अप टचिंग द फैंस मोर व्हेन दे पिक अप सब्जेक्ट्स लाइक दीज। सो मज़ा आया इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की जुगलबंदी देखकर, and quite a fun watch, I would say. बहुत unpredictable था, ऐसा होता नहीं है real life में, और picture हमेशा real life में तो ज़्यादा बिकती है, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ fake तो नहीं लगा मतलब? नहीं, fiction तो है ही definitely, लेकिन एक अब मूवी देखने आएंगे तो आप फिक्शन तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, आई मीन यू इट कांट बी लाइक कि सारी मूवीज़ जो है वो रियल लाइफ इंस्पायर्ड ही हों, तो इट्स फन आई थिंक, फिक्शन प्लस रियल लाइफ। और जब फैंस जब अपने सुपरस्टार्स को लेकर सीरियस हो जाते हैं, सो कभी कभी शायद क्या पता ऐसा होता हो। बड़े से पहले लगा था 6 फिल्में 6 या 5 फिल्में फ्लॉप हुई है अक्षय की,
बस फिल्में बनाए जा रहे हैं, कुछ कहानी भी डाल रहे हैं, उम्मीद है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ इस तरह के टॉपिक पे बनाते हैं जो फैंस को टच करे, तो अगर उनको मज़ा आता है देखने में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आई कॉन्ट रियली से दैट इट विल बी अ फ्लॉप और अ हिट, बट इट विल डेफिनेटली टच पीपल वेयर दे विल एंजॉय द मूवी फॉर श्योर. I think 3.5. I'm nobody to rate it, but on a personal level, I would give it a 3.5. That's a tough question, but Akshay, being Akshay in the movie, like he's playing a superstar, and he did the best doing that. He does does best while doing that, while playing himself. And Imran Hashmi, because unko aise kisi role mein pehle kabhi dekha nahi. So he's doing something out of the box in this movie, and I think that's a fantastic thing. काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. एक दर्शक के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फिल्म को अच्छा स्क्रिप्ट था जो बांध करके रखा, और बांध के रखने के साथ साथ एक मैसेज भी दिया गया. मैसेज यह था कि बॉलीवुड जिस कंट्रोवर्सी से गुजर रहा है आज, कैसे उसकी टीस एक बॉलीवुड के लोगों के सितारों के बीच में रहता है, उसको दिखाने का एक प्रयास किया गया. दर्शक भी इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से मीडिया हाइप करके एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाता है, और बॉलीवुड में जो अभिनेता हैं उसके चीज़ों को भी दिखाने का अक्षय कुमार ने बढ़िया प्रयास किया. फैमिली को लेकर के भी कहेंगे कि एक मनोरंजक फिल्म है, लोगों को बांध के रखने में काफ़ी अच्छा. हमेशा फ्रेश कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलता, ये भी साउथ का एक रीमेक है, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत बड़े अभिनेता अक्षय कुमार, लेकिन फ्रेश कंटेंट में थोड़ी सी मार खा जाती है. नहीं, फ्रेश कंटेंट में इसलिए कह सकते हैं कि जो अभी जो ताज़ा तरीन जो हालात बॉलीवुड का है, उस बॉलीवुड का जो एक मैसेज जो देना चाह रहा है, वो मैसेज देने में अक्षय कुमार सफल रहे. कि कैसे एक हैशटैग की वजह से बॉलीवुड आज क्राइसिस से गुजरता है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, उस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के वजह से इंटरटेनमेंट बॉलीवुड जो है जिस हिसाब से गुजर रहा है, उसको भी दिखाने का एक अच्छा प्रयास किया गया. मुझे ये लगता है कि मनोरंजन के साथ साथ एक काफ़ी अच्छा संकेत भी दिया गया, दर्शकों को यह काफ़ी अच्छा लगेगा, और दर्शकों को बांधने में काफ़ी अच्छा प्रयास. तो हमारे सिनेमा में रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, क्या सितारे आप देने चाहिए मतलब? मेरे हिसाब से तो रेटिंग की अगर मैं देना चाहूँ तो आज के तारीख में 5 की 5 दूंगा, क्योंकि इसमें मनोरंजन भी है, मनोरंजन के साथ साथ इसमें हाँ वो भी है, और एक जो अभी ताज़ा तरीन जो एक हालात है उसको लेकर सेल्फी का जो लोगों के बीच में ये है क्रेज है, उसको भी दिखाने का प्रयास. भाई बंदा पैसे कमाने पे लगा पड़ा है, वो तुम्हें पता ही है उनका क्या चल रहा है, कोई सा भी ऐड कर रहे हैं, कोई सी भी मूवी कर रहे हैं, रीमेक ज़्यादा कर रहे हैं, तो पैसा कमा रहा है, कमाने तो भाई पैसा कंटेंट से क्या लेना देना. पहले देशभक्ति का ट्रक पकड़ रखा था कि ट्रैक पकड़ रखा था, अब बस मसाला 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 मसाला. हाँ मूवी अच्छी है भाई, प्लॉट अच्छा है, अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अक्षय कुमार एक्टर अच्छे हैं ही, और इमरान हाशमी बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छे एक्टर्स होंगे, तो फिल्म तो अच्छी बनेगी ना ऑब्वियसली. और फिर कहानी, जैसे कि अगेन साउथ बेस्ड है तो कहानी अच्छी है, कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, स्क्रीन पे भी बहुत ज़बरदस्त है, तो फिल्म तो अच्छी है. पठान को तो अभी तक भाई क्या हो सकता है, पठान वैसे अभी लोग बहुत जा रहे हैं देखने के लिए, क्या बट देखते हैं क्या होता है यार. वी आर नो वन टू से कि लोगों को क्या देखना क्या नहीं देखना, मगर शहजादा से भी बहुत उम्मीदें थी, बट शहजादा ने किस तरीके से फ्लॉप हुई हमें ही पता है भैया, बट ये फिल्म चल सकती है एंड इट हैज़ द पोटेंशियल कि पब्लिक जाके इसे देखे. भाई दोनों ही बराबर लगे हैं, और बेटर वैसे देखा जाए एक्टिंग वाइज, एक्टिंग तो दोनों ने ही सही करी थी, मगर ज़्यादा बेटर मुझे अक्षय लगे इन कंपैरिजन टू इमरान, बिकॉज इमरान जिस तरह का कैरेक्टर प्ले करते हैं विलेन वाले रोल, और जैसे हम उनकी फिल्में देखते आए हैं जन्नत हो गई मर्डर हो गई, तो इस किस्म का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी या कोई कॉमन आर्टिस्ट के ऊपर ज़्यादा सूट करता है, रदर देन टेकिंग इमरान हाशमी फॉर सच. 5, 3, 3, 3, 3, 3. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू आपको पसंद आया, और ये रिव्यू देखने के बाद शायद थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि ये फिल्म आपको हॉल में देखनी चाहिए या फिर OTT के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि सारे तरह के जर्नलिस्ट ने जो है अपने अपनी राय दी, अपने अपने रिव्यू रखे, अपने अपने स्टार दिए, लेकिन अक्षय के फैंस जो है, फैंस नहीं है मतलब भवंडर हैं, वो इस फिल्म को जरूर हिट करा देंगे, और आई होप 6 फिल्मों के बाद ये 7वीं उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा सा कमाल कर दे. सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया. सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हिमांशु न्यूज़ वक्त, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे. थैंक यू सो मच.